हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल यशी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास टेंथ का अध्याय चार दीघा संकलन कराने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। हमें इसका गुणा करना है, तो एक्स का दो एक्स का गुणा एक्स आएगा, दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स माइनस छः गुणे एक्स माइनस तीन बराबर एक्स प्लस पाँच गुणन एक्स माइनस हमारा क्वेश्चन है। अब इसका गुणा तीन होगा तो दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स का तीन होगा माइनस तीन छः, छः एक्स माइनस एक का एक्स होगा तो माइनस एक एक्स, एक का तीन होगा तो तीन तीन बराबर एक्स का एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक हुआ तो माइनस एक का एक्स हुआ तो प्लस पाँच एक्स, पाँच का एक हुआ तो माइनस पाँच। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस माइनस प्लस जी दोनों जुड़ जाएंगी तो माइनस सात एक्स प्लस तीन बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा प्लस और पाँच में से एक्स लाएंगे तो चार एक्स माइनस पाँच। अब हम इनका पक्षांतर करेंगे, दो एक्स स्क्वायर एक साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर जी प्लस में इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स, प्लस में इधर आएगा माइनस माइनस चार एक्स प्लस तीन, माइनस का इधर आएगा प्लस प्लस पाँच बराबर जीरो। अब एक्स में से एक्स स्क्वायर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस तो ग्यारह एक्स प्लस प्लस और जी दोनों जुड़ जाएंगे पाँच और तीन आठ बराबर जीरो। अच्छा ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।